पहले तो वो साउंड सिस्टम बंद हुआ, स्टेज बंद हुआ, मतलब बारात तो आज नहीं लगेगी यहाँ, आप सोच लीजिए अब आपको क्या करना है। फाइनली बारात नहीं लगी। दिन में भी मिलने जाती थी, लड़का मेरे से बोलता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन मेन जो विक्टिम है मेरी लाइफ को बर्बाद करने वाले हैं वो सिलामई के प्रधान राजेश हैं। सीन जो चल रहा है, और मैंने जितने वो फोटोग्राफ्स स्टैंडी लगे थे सबको तो मैंने खुद ही गिरा दिया एकदम। हाँ हाँ एकदम गिरा दिया, मुझे डर वर नहीं था, इधर गिराया कुछ इन लोगों ने गिराया। वो बोला कि शादी ठुकाने नहीं आओगी, बोले फिर अच्छा धमकी भी दिया वो। हाँ मतलब एक फिन करना होता है कि आपको प्रभोग किया। हाँ, उकसाया। हाँ, फिर आपने अपनी हिम्मत दिखा दी। बिल्कुल, पटना पहुंचते के साथ वो बेल खारिज करवाएंगे, वारंट लेके अगेन आके लड़के की नौकरी भी जाएगी, लड़का जेल भी जाएगा, और फाइनली अगर छुप छाप के इन लोगों ने कहीं एक रूम में शादी कर दी होगी तो लड़की की प्रधान की बेटी का जीवन भी जाएगा। वो बोला था कि हमको अपने पास रख लो, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर मैंने सपोर्ट किया कि रहेगा, पढ़ लेगा अच्छे से, जल्दी नौकरी लग जाएगी। रात के 12:30 बज रहे हैं और देख सकते हैं महिला विकास मंच की पूरी टीम जो है टुंडला स्टेशन पे मौजूद है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के टुंडला स्टेशन पे मौजूद है, और आपको जो विजुअल में ये लगातार चल रही तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, ये एक शादी समारोह की है जिसमें प्रधान जी अपनी बेटी के जबरिया शादी करा रहे थे। बिना मानवी के पास ये केस आता है, और जैसे ही बिना मानवी के पास केस आता है, बिना मानवी ना आओ देखती है न ताओ देखती है, आनंद फानंद में आगरा पहुंचती है और इसी शादी के मंडप में आकर के धरना देने लगती हैं। ये धरना इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है कि इस मैरिज गार्डन में लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके ये जो शादी के महफिल सजाया गया है वो सब तहस नहस हो जाता है। अब इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रियंका झा मौजूद है, प्रीता खुद है, और बिना मानवी जी फाइमा खातून मैम है। मैम जो ये तस्वीरें कल से चल रही आपके सोशल मीडिया पे, हम सब भी चलाए हैं, ये क्या कुछ है मामला पहले तो समझा दीजिए। देखिए हालांकि इतने हैक्टिक सिचुएशन में हम आए वहां से, सारी दुनिया जान रही थी कि 9 तारीख को पवन जी का नॉमिनेशन था, कितना थके हुए थे हम लोग। नॉमिनेशन ख़त्म होता है बाय रोड, तुरंत हम मुगलसराय स्टेशन आते हैं, वहां से ट्रेन पकड़ते हैं। ये लोग पटना से बैठे थे, पहले से प्लान था, क्यों, चूंकि 10 मई को शादी हो रही थी, शादी उस व्यक्ति की हो रही थी जो ऑलरेडी बेल इस ग्राउंड पे लिया, वैशाली कोर्ट से उसने इस ग्राउंड पे लिया कि वो जेल से निकलते इनसे शादी करेगा। अफेयर था, प्रेम था, मोहब्बत था, दोनों जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे पदाधिकारी हैं, एक बिहार में है तो एक उत्तर प्रदेश में है, उसको पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, इनकी जॉब 20 में होती है, 20 से लेके 22 तक उसको जॉब दिलाने तक एक पैर पे खड़े, मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, केस हुआ ये हुआ, लेकिन वो लड़का का बेल जैसे ही होता है, ये जो प्रधान की बात आप कर रहे हैं, ये प्रधान आता है कोर्ट में बेल दिलाता है, चूँकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारिता चरम सीमा पे है हमारे यहाँ। महुआ थाना बिक गई इस केस में, महुआ थाना बहुत इजली इन दोनों की शादी करा सकती थी, ऊपर से जो वकील साहब थे दोनों पक्ष मिल के जज मैनेज हो गए इस केस में हमारे वहाँ पे, और एक लाइन अगर जज उस ऑर्डर में लिख दिए रहते कि अगर ये शादी नहीं करता है तो अगेन ये दोषी करार होता है, वो उन्होंने नहीं लिखा। खैर एनीवे, शादी ये नहीं करता, आके छुप के ये, हाँ 10 तारीख को इसकी शादी हो रही थी, शादी हो रही थी, टोटली प्रधान जो है उस गांव का, जो प्रधान है सिलिया गांव का, वो जिनकी बेटी से लड़के की अनुज की शादी हो रही थी, वो दोषी है इसमें। और जाते के साथ पूरे माहौल पे हमने जब मेरी सब चीज़ जान रहे थे, तो अपनी बेटी को गड्ढे में क्यों ढकेल रहे हो भाई, तुम किस तरह के बात हो, बाप हो। एक होता है कि हमें पता है यहाँ गड्ढा है और ज़बरदस्ती कूद जाना, वही उसके बाप ने किया, अपनी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद, इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद, पूरा कोई खुश नहीं रहेगा इसमें। एनीवे बहुत सारी चीज़ें हुई, पहले तो वो साउंड सिस्टम बंद हुआ, स्टेज बंद हुआ, मतलब बारात तो आज नहीं लगेगी यहाँ, आप सोच लीजिए अब आपको क्या करना है। फाइनली बारात नहीं लगी, हम लोग 11:30 बजे रात तक वहाँ रहे, बारात नहीं लगी, और पूरा मातम में बंद, साउंड सिस्टम बंद, लाइट बंद, स्क्रीन जो चल रहा है, और मैंने जितने वो फोटोग्राफ्स स्टैंडी लगे थे सबको तो मैंने खुद ही गिरा दिया एकदम। हाँ हाँ एकदम गिरा दिया, मुझे डर वर नहीं था, इधर गिराया कुछ इन लोगों ने गिराया, बोले शादी नहीं होगी यहाँ पे, बुलाइए लड़का को पहले। लड़का फाइनली नहीं आया, शादी उस रिजॉर्ट में नहीं हुई, ब्रिज भूमि रिजॉर्ट का नाम था, और फिर फाइनली शादी रोक के हम लोग वापस आए। प्रशासन ने साथ दिया, प्रशासन का कहना था अगर आप वारंट लेके आते हैं तो हम अरेस्ट कर लेंगे लड़के को। अब जो बेल पे वो लड़का है, तुरंत पटना पहुंचते के साथ वो बेल खारिज करवाएंगे, वारंट लेके अगेन आके लड़के की नौकरी भी जाएगी, लड़का जेल भी जाएगा, और फाइनली अगर छुप छाप के इन लोगों ने कहीं एक रूम में शादी कर दी होगी
तो लड़की की प्रधान की बेटी का जीवन भी जाएगा। लेकिन अब पीड़िता है, अब देख सकते हैं ये पीड़िता और ये पूरी स्टोरी पूरा महफिल देखने के बाद, शादी में जरूर आना जो मूवी थी उसका एक गाना बड़ा हिट हुआ था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। यहाँ पर मेरा इंतकाम ये लड़की दिखा करके अब पुनः जा रही है पूरी टीम के साथ आई है। वो गाना कसर हो गया आप पे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा जो गाना था, आपने ये इतना बड़ा हिम्मत कैसे लिया? एक प्रधान के बेटी इतने साजो शौकत के साथ शादी हो रहा था, लग्जरी शादी थी एकदम सानो शौकत के साथ, उसमें जाकर आप इतना बड़ा विघ्न उत्पन्न कर दें, तो आप उस गाने से प्रेरित होगी, आखिर आपने इतना बड़ा कदम लेने का फैसला क्यों उठा लिया? एक्चुअली उनका पूरा परिवार था, मतलब बेल के टाइम सब लोग ने हमको कन्विंस किया कि शादी आप ही से होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इधर से उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं, प्रधान ये प्रधान ऐसे ही सब कुछ बोलते हैं। फिर मैंने सपोर्ट किया पूरा। फिर उसके बाद बेल होने के बाद मैं एक महीने तक इंतजार भी की, और यहाँ से बेल होने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुँचा सब लोग ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत मुझे जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहिए मैं कॉन्टेक्ट करती गई, हर जगह से सब लोग ब्लॉक करते गए और लड़का भी मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद मैं फिर भी मुझे बात करना रहता था तो मैं कहीं ना कहीं से मतलब कर लेती थी। ये लव स्टोरी प्रेम प्रसंग की शुरुआत कहाँ से हुई? इलाहाबाद से हुई थी, पढ़ाई के दौरान। हाँ। वो लड़का आपसे कोचिंग में मिला? हाँ, कोचिंग में। फिर आप लोग लिव इन में रहे? हाँ, लिव इन में रहे थे, मतलब 2-3 महीने उसको उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो वो बोला था कि हमको अपने पास रख लो, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। फिर मैंने सपोर्ट किया कि रहेगा, पढ़ लेगा अच्छे से, जल्दी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि मेरी भी शादी के लिए घर में अप्रोच किया जा रहा था। मैं सोचती जितनी जल्दी हो जाएगी मैं घर में बात रख पाऊंगी। मतलब आप अपने लिए उस लड़के को पूरा बढ़िया से एकदम जैसे कुम्हार एक तलाशता है अपना घड़ा को, वैसे आपने उसे तैयार किया अपने पास रख के, अपना सब कुछ समय पैसा लगा करके। जैसे वो नौकरी हुआ वो एकदम से बदल गया। हाँ, मतलब पैसों की लालच हो गई उससे, जैसे फॉर्मेलिटी करना। हाँ, चलो। वो बदला कि उसके घर वाले उसको बदल दिए, क्या लगता है आपको? पहले तो उसने बात करा था, फिर उसके बाद क्या हुआ अचानक में, जैसे नहीं हो जाता है कि सडन हो गया सब कुछ, किसी को पता ही नहीं चला ऐसा कुछ। वो जो विजुअल में दिख रहा है फोटो, वो लोगों को जिसपे वो लड़का लड़की के साथ कंधे पे हाथ रख के चश्मा पहने के पिताजी भी हाथ जोड़ के दिखाई दे रहे हैं, तो बता रहे कि 2 साल पहले सगाई हुई थी। नहीं नहीं, ये सब तो अभी रिसेंट का है, सब कुछ रिसेंट का है, ये सब कुछ नहीं हुआ था। आपको जानकारी कब लगी? सब जानकारी है। कब लगी कि शादी हो रही इसकी? कब लगी आपको जानकारी कि इसकी शादी हो रही? अभी दोबारा से जब डेट पड़ी है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले पता चली है। तो अपने लड़का से नहीं बात करे कि भाई प्यार मोहब्बत हमसे सपने हमें मेरे साथ वादे इरादे फिर बदल क्यों रहे हो तुम? मैं फोन करती थी लेकिन कभी वो इस टॉपिक पे मतलब वहाँ प्रतिमा क्या करना है कैसे करना है ये सब बात नहीं, बस कोर्ट कचहरी की बातें करता था। उस दिन भी मैंने फोन किया कि मैं बात कर लेती हूँ, फिर वो बोला कि शादी टुकाने नहीं आओगी, तो हम बोले फिर हम। अच्छा, धमकी भी दिया वो? हाँ, मतलब एक पिन करना होता है कि आज आपको प्रभोग किया, उकसाया। हाँ, फिर आपने अपनी हिम्मत दिखा दी। बिल्कुल। उस एक बार तो लड़की ने भी बोला था क्या वो शादी में नहीं आएंगी, तो मैंने बोला क्या मतलब वो बुला रही है अपना, शादी ना हो उसकी, अगर मैं जिस शादी में पहुंच जाऊं और मैं जिससे प्यार करती हूं और वो किसी और से शादी कर ले ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। क्या नाम है लड़के की? लड़की का नाम है बीनू। पापा क्या करते उसके? पापा है प्रधान सिलामई के। लड़की के पापा प्रधान? हाँ, मेन तो वही है मेन। अच्छा, मेन जो आपके किरदार है फिल्म की या स्टोरी की वही है? मेरा जो हुआ कैसे हुआ वो थाना होना हुआ था वो तो अलग मैटर था, लेकिन उसके बाद हमारा सब कुछ सही होने वाला था। मैं जेल में भी मिलने जाती थी, लड़का मेरे से बोलता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन मेन जो विक्टिम है मेरी लाइफ को बर्बाद करने वाले हैं वो सिलामई के प्रधान राजेश हैं। क्या लग रहा है आपको ये कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें, इन बातों का क्या? आपने एक मूवी का नाम लिया कि मेरे शादी में जरूर आना, और वही सीन क्रिएट यहाँ भी हुआ है। लड़का की हिम्मत तो देखिए कि शादी से मजब 5 रोज पहले लड़की का टेलीग्राम पे एक दूसरे से बातचीत होती थी, और लड़का ने कहा क्या तुम मेरे शादी में नहीं आओगी, क्या तुम मेरे शादी रुकवाने नहीं आओगी, तो लड़की ने भी उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट की कि भाई जब मैंने तुझे बनाई तो भाई बिगाड़ने वाली भी फिर मैं ही बनूंगी,
और जब मैंने तुझे तराशा तो मैं ही आऊंगी तुझे उस खत्म करने के लिए भी। तो ये लड़की महिला विकास मंच ऑफिस बहुत लेट पहुंची। यही अगर हम लोगों के पास मामला 1 महीना या 20 रोज पहले भी आ गया रहता ना, तो हम लोग और भी इसमें कुछ कर सकते थे। कुछ क्या, ये चीज होने ही नहीं देते, इतना तामझाम होता ही नहीं। लेकिन हम लोग ने पूरी तरीके से इसके साथ खड़े रहे। वहाँ के थाना प्रभारी सर ने हम लोगों को सपोर्ट किया, और वो शादी के दिन की बात कह रही हूँ, दान दहेज का सामान भी रखा गया था उस कैंपस में। 1 करोड़ की बजट को हम लोगों ने शादी के दिन मातम में बदल के आए हैं। और प्रधान जी की हिम्मत को देखिए, ऐसी प्रधान, कैसी प्रधान जो अपनी बेटी का खुद दुश्मन मर बैठा है। क्या लग रहा है, जो प्रधान जी हैं अपनी प्रधानगिरी, अपनी दादागिरी, दबंगई दिखाए और सरकारी मतलब दुल्हा ढूंढना नहीं, सरकारी दुल्हा जबरदस्ती छीन लाए। तो जब हम लोग पहुंचे तो प्रधान इतना बेशरम कि 5 लाख रुपया अपने आदमी को कह रहा है कि मैडम लोग को मैनेज कर लीजिए, 5 लाख तक में मैनेज कर लीजिए। बताइए कितना सर। क्या लग रहा है, अब आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा आपके साथ, अदालत आपके साथ, सिस्टम आपके साथ, शासन प्रशासन है? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। हाँ आपने वहाँ गई, शादी रुकवा दी, सारा कार्यक्रम तहस नहस करवा दी, खाना पीना से लेके पूरा जयमाल स्टेज से लेके पूरा आयोजन मंडल को आपने पूरा मतलब क्षतिग्रस्त कर दी पूरा आयोजन के। आगे अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कदम आप उठा रही, आपका मंच उठा रहे, उस लड़की को कैसे आप लोग इंसाफ देंगे? केस में जितने भी कल्प्रिट्स हैं, पहला कल्प्रिट हमारी नजर में महुआ थाना प्रभारी, ठीक है, उनको टारगेट में हम जरूर लेंगे और तमाम चीजों का जवाब उनको देना पड़ेगा। दूसरा कल्प्रिट इनके एडवोकेट्स, जिन्होंने मैनेज किया था उस प्रधान के द्वारा 5 लाख रुपए में, मे बी जो जज हैं इस केस के, वो भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डोल डमा करके फालतू किए हैं। और चौथा कल्प्रिट हमारे नज़र में जो है वो प्रधान है। प्रधान पे जाते ही FIR दर्ज, क्योंकि ये पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर कोई है तो प्रधान है, तो उस पर FIR दर्ज महुआ थाने में कराएंगे, बेल को तोड़वाएंगे, लड़के की नौकरी भी जाएगी और लड़का जेल भी जाएगा। चलिए बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, सूचना सूत्र पे आप ये वीडियो देख रहे हैं।